हेलो फ्रेंड्स, देखो आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। डोसा बनाने के लिए मैं लिया हूँ छोटा सा काप में थोड़े से चावल, चने की दाल और थोड़ा उड़द दाल। मैं ये सब काली भिगो के रखा हूँ। अभी मैं मिक्सर में पेसूंगी। मिक्सर में पेस करके फिर मैं दो 3 घंटा के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ढक के रख दूंगी। मैं सब मिक्सी में ढाल लिया। अभी मैं एक साथ ग्राइंड करूंगी। देखो फ्रेंड, मेरा डोसा की बटर अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड हो गया। अभी मैं नॉर्मल टेम्परेचर में इसको ढक के रखूंगी। थोड़ा 2-2.5 घंटा बाद मैं डोसा बनाएंगी। देखो फ्रेंड, कितना अच्छे से डोसा बन रहा है। मेरा तवा जितना बड़ा उतना ही बड़ा डोसा है मेरा। आज खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग भी घर में ट्राई करना दोस्तों। होटल में जितना पैसा दे के आप लोग खरीदता है उतना ही घर में बना के खाने में भी मज़ा आएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। घर में बना दो कभी नाश्ते में, कभी शाम को ठंडी में गरम गरम खाने में मज़ा आता है। ऐसे घर में भी बना करो। हेलो दोस्तों, देखो मेरा कितना अच्छे से डोसा बन रहा है। तवा जितना बड़ा है डोसा भी इतना बड़ा है। आज खाने में बहुत मज़ा आएगा। देखो मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ है, डोसा बनाने में हेल्प कर रहा है। अभी एक डोसा ऑलरेडी बन गया। देखो ऑलरेडी एक बन गया। और अभी तवा में देखो, देखो दोस्तों देखने में कैसा लगा। अभी और धीरे धीरे बनाएंगे और एक साथ खाएंगे। आप लोगों को भी खिलाऊंगी। अच्छा देखो फ्रेंड, मेरा साउथ की डोसा कितना अच्छे से घर में बना के आप लोग भी खाना है। ऐसे कितनी मस्त लगे। देखो दोस्तों, मैं डोसा के साथ खाने के लिए चटनी तैयार किया हूँ। चटनी के लिए मैं दिया हूँ नारियल खड़ा वाला, थोड़ा सने की दाल, 4-5 हरा मिर्च, लहसुन थोड़ा सा, अदरक, इसको सब एक साथ मिला के मैं चटनी तैयार करूँगी। मेरा ऑलरेडी डोसा बन के तैयार हो गया। इतनी सारी डोसा बना लिया मैं, अभी चटनी बनाऊंगी। मेरा चटनी तैयार हो गया, लग गया तड़का। अभी इसको ढक के। हेलो फ्रेंड्स, देखो आज की मेरा डोसा प्लेट कैसा लगा देख के। सामने थोड़ा पास देखो, आज की मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बहुत सारी सपोर्ट देते रहना ऐसे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।